स्वास्थ्य मंत्री ने सुलभ विधानसभा के देहण में दो दिवसीय जिला रेड क्रॉस मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने नशे की रोकथाम के ऊपर रैली को हरी झंडी भी दिखाई। रेड क्रॉस मेले में स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि पालमपुर में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है। अब हम उस अन्नपूर्णा सोसाइटी के माध्यम से 5 लाख रुपए से हिमाचल प्रदेश के लोगों को मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। परमार ने कहा कि आने वाले दिनों में 2 डायग्नोस्टिक वैन भी लगा रहे हैं जो अन्नपूर्णा सोसाइटी के साथ जुड़ेगी। जो लोग अभी भी अपना इलाज करवाने में कई बार पालमपुर थुरल पहुँच जाते हैं, वे वैन गांव गांव में जाएगी। हम निश्चित करेंगे कि ये वैन किस दिन कहां जाएगी और इस तरह कैंप हर गांव में लगाए जाएंगे। लोगों के टेस्ट भी फ्री होंगे। बहीन धर्मशाला में शीतकालीन सत्र को लेकर स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि शीतकालीन विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए बहुत से विषय आएंगे। विपक्ष सकारात्मक का सुझाव ताकि सत्ता और विपक्ष मिलकर हिमाचल प्रदेश के उत्थान के लिए सामूहिक प्रयास कर सके। परमार ने हैदराबाद पुलिस एनकाउंटर के बारे में कहा कि जो हैदराबाद में पुलिस एनकाउंटर हुआ वह होना ही चाहिए था। ऐसे लोग जिन्होंने एक डॉक्टर के साथ अत्याचार किया और रेप करके जला दिया और फिर पुलिस वालों के ऊपर हथियार उठाने की भी कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस अधिकारी अपने बचाव के लिए जो किया वो ठीक किया। रामपुर बुशहर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में किन्नौरी मार्केट की अलग ही पहचान है। इसी तर्ज पर बुशहरी मार्केट को भी तैयार किया गया है ताकि खरीदारों को आसानी से किन्नौरी और बुशहरी सामान उन मार्केटों में मिले। लेकिन बुशहरी मार्केट में बुशहर का सामान और उत्पाद न बिककर बाहरी व्यापारियों द्वारा बाहरी सामान बेचा जा रहा है। इससे क्षेत्र के युवाओं में नाराजगी है। उनका कहना है कि किन्नौरी मार्केट में वहाँ के पारंपरिक वस्तुएं सूखे मेवे लोगों को खरीदने के लिए मिल जाते हैं और दूसरा वहाँ के लोग अपने उत्पादों को आसानी से भी बेच सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बुशहरी मार्केट को स्थापित तो किया गया मगर इस मार्केट में स्थानीय उत्पाद या स्थानीय व्यापारी ना के बराबर है। कुछ स्थानीय पेशेवर लोग बुशहरी मार्केट में स्थान लेकर उसे आगे मेले के दौरान व्यापारियों को बेच देते हैं। ऐसे में इस मार्केट में स्थानीय लोगों को स्थान नहीं मिलता और ना ही इससे स्थानीय युवा एवं किसान अपने उत्पाद को अपने मार्केट में नहीं बेच पाते। दरकाली के किसान चेतन पाकला ने बताया कि रामपुर के अंतर्राष्ट्रीय मेले में बुशहर जो युवा बेरोजगार हैं, वे चाहते हैं कि अपने उत्पादों को अपनी मंडी में बेचें, लेकिन इस मंडी में पूरे बाहरी लोगों को जमावड़ा रहता है जबकि साथ में किन्नौरी मार्केट में सारे किन्नौर के लोग अपने उत्पादों को बेचते हैं। स्थानीय व्यवसायी नारायण दास ने बताया कि शहर के रहने वाले हैं और अपने उत्पाद को बेचना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें थोड़ा सा स्थान मिला है। इस बुशहरी मार्केट में अधिकतर बाहर के व्यापारी दुकानें सजाई हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष हरीश चंद्र ने बताया कि उन्होंने बुशहरी मार्केट इसलिए स्थापित करवाया था ताकि बुशहर के लोग अपने पारंपरिक उत्पादों अनाजों को यहां आसानी से बेच सके। लोगों को भी पता चले कि उन्हें पारंपरिक फसलें वो ऊनी वस्त्र कैसे थे, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। कुछ लोग बुशहर के नाम से स्टॉल लेते हैं और सबलेट का धंधा करते हैं। मेला कमेटी इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाए। जो है नहीं मिल पा रहा है वो अपना अखरोट नहीं बेच सकता है, ना दूसरे जो दालें हैं वो बेचने, अपना जो घी है उसका वो बेच सकता है यहाँ पर, ताकि एक मार्केट जो है बढ़िया चले। लेकिन यहाँ हमने देखा यहाँ ब्लैक हो रहा है, लोग मार्केट ले लेते हैं। आपने देखा है बुशहर का एक दो सिर्फ आइटमें बिक रही है यहाँ।